हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी उठे हैं, 5:40 हो गए हैं। तो आप अभी हम हैं शिया गुरु में, तो थोड़ी देर में रेडी होके निकलेंगे जहाँ से। अभी हम जहाँ थे आज, मैं आपको ना व्यू दिखाता हूँ बाहर का। तो आज रात हम इधर सोए हुए थे, चलिए बाहर चलते हैं। गाइस ये देखिए इन डॉगीज को, पानी इतना ठंडा है ना, मतलब हाथ लगाने को मन नहीं कर रहा। वो सुबह सुबह इसमें नहा रहे हैं। ये देखिए देखिए सुबह सुबह मस्त वो फंस गया वहाँ पे। तो अभी उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे उसकी, नहीं करेंगे हेल्प। कर रहे गया गया नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा, आगे से निकल जाएगा। आराम से निकल जाएगा। वो देखो उसकी हेल्प कर रहा है, वो देखो वो नहीं काटेगा। नहीं जाऊँ मैं, काट लिया जहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, पहाड़ों में निकल जाएगा वो, आराम से निकल जाएगा वो ना। कहीं उसकी टांग नहीं फंस गई थी पानी में, निकल गया भाई। आजा बाहर, आजा इससे रोटी ला, बाहर रोटी पड़ी। वो गया ना उधर, उसको अपने मालिक को बुलाने गया था वो देख रहा, वो देख रहा कहीं बह तो नहीं गया। खुश हो गया वो, खुश हो गया उसको देख के। वो ढूंढ रहा कहीं बह तो नहीं गया उधर। ये वाह आ गया। तो गाइस सभी लोग अभी रेडी हो गए हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का ही होता है ब्रेकफास्ट, वो लग गया है। आज ब्रेकफास्ट में है परांठा और दही है ना, देखते हैं देखना क्या है। ओके सब्जी है, आलू की सब्जी है, और चाय आएगी, वो चाय है। तो सभी लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो नाश्ता करके निकलेंगे जहाँ से। आज हमने ये साथों की नदी पार करनी है, नाश्ता करने के बाद। चलिए नाश्ता कर लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। खाना हो गया सभी का, इधर भाई साहब नदी के किनारे बैठ कर आलू सब्जी और परांठे का स्वाद लेते हुए। तो गाइस चल पड़े हैं अभी जहाँ से घोरू की तरफ, और अभी हमने करना है रिवर क्रॉस। तो अभी किसी ने जूते वगैरह नहीं पहने, रिवर क्रॉस करने के बाद पहनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही है जहाँ से। पानी ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। चलो तो पहले रिवर क्रॉस कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। ए टॉवल किधर है? बहुत ठंडा पानी था भाई, बहुत ठंडा। और ग्रुप भी नदी पार कर रहे हैं, बाकी के ग्रुप भी आए हुए हैं जहाँ पे, बारी बारी से सभी पार कर रहे हैं, जहीं से कर रहे हैं सभी पार, जहीं पे मतलब पानी का, जहाँ पे मतलब पानी कम है, नदी थोड़ी सी चौड़ी है इसलिए आसानी से पार हो रहा है।
चलो गाइस चलते हैं अब आगे, क्योंकि चल पड़े हैं सारे, चलना ही पड़ेगा अभी। बैग डाल लेते हैं अपना। ये वाला ग्रुप भी आ गया इधर, इसने भी कर ली नदी पार। अभी दो बचे हैं, दो ग्रुप, एक दो बचा है, एक दो बचा है। चलिए पानी गाइस, बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। मतलब एक बोल देते ना, ये बहुत ठंडा है, मतलब बहुत बहुत वाले से 10 गुना ठंडा पानी था। तो रात को हम इस जहाँ पे रुके थे, अभी उधर से घूम के आए ना, दोबारा से ये अपना कैंप सेट फिर से आ गया। इस कैंप सेट में रुके थे रात हम नदी के पास। तो आज हमको इधर जाना है, सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ को पार करना, मतलब पार नहीं करना, इस पहाड़ के पास पास जाना। हमने आज कोई ऊपर को नहीं जाना, सब नीचे के नीचे को जाएंगे। 5 किलोमीटर की है जहाँ से आज जो कवर करना है, 5 किलोमीटर है। गाइस ये देखिए पहाड़, ग्रीनरी वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए चलिए गाइस चलिए, मैं कहना सबसे ज्यादा मैं ही फीचर हुआ। चलिए चलिए, यस चलिए, चलिए मैम चलिए, पीछे रह जाते हो। तो जय वाले पहाड़ के साथ पिक्स ली जा रही हैं, बताएंगे हमें योगा चक्रासन। वाह गुड गुड गुड, डन डन। गाइस ये वाला व्यू देखिए, वाओ। वो नदी वही जिसके किनारे हमने रात को कैंप लगाए थे, वही नदी है वो, ये वाला। अभी इस पहाड़ के पास पास हमने जाना है। अभी आ गया जी बंदा हमारा पीछे, वो स्टिक ढो भूल आया था और पीछे से जाके भी लेके आया, 1 किलोमीटर पीछे गया दोबारा, अब लेके आया है। तो इसी की वेट कर रहे थे हम जहाँ पे। चलिए गाइस काफ़ी आगे आ गए हैं, अभी ये पत्थर से स्टार्ट हो गए हैं, सीधे रास्ता थोड़ा सा था वो ख़त्म हो गया। तो गाइस जहाँ पे आ गए हैं, सभी लोग जहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी रास्ता हमने ख़त्म कर दिया है, मका दिया है। अभी आगे जाके अभी रेस्ट लिए जहाँ पे, तो कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे चले गए। वो देखिए आपको दिख रहा होगा, कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब ये वाला पार्ट हमें करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वो है, टिपिकल सा है जहाँ से। कोई नहीं, ये भी कर लेंगे, अभी इतना करके आए हैं। व्यू बहुत बढ़िया जहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पानी पी लिया जहाँ पे बैठ के, मौसम ठीक है। ये देखिए गाइस पीछे का व्यू, चलिए चलिए रेस्ट हो गई है। देखिए गाइस गॉड्स एंड शीप्स, भेड़ें और बकरियां।
ये देखो यहीं पे रहते हैं जो लोग, मतलब उनका जो रहने का खाने का पीने का सब कुछ पहाड़ों में ही है। अभी जो जा रहे हैं उधर हमटा पास की तरफ, जो सुबह वो डॉग्स वो फंस गया था नदी में ना, वो इन्हीं का था, अभी निकला वो हमारे पास में से। वो सुबह पहुंच गया था पहले पास, अभी वापस आके अब जा रहा है दोबारा से इनको लेके। वाह, वो एपी से जो डॉग सुबह फंस गया था, एक मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट आ गया। ये सुबह फंस गया था वहाँ पे, ये फंस गया था, यही था, हाँ यही था वो, ये सुबह नदी में फंस गया था, यही वाला डॉग है वो। अब जैसे छोटी सी नदी आ गई है एक, इसको क्रॉस करते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो लो गाइस नदी पार कर ली है सभी लोगों ने, कुछ लोग कर रहे हैं, नदी नहीं है छोटा सा ही है बस, पानी से ऊपर से आ रहा है, उधर से आए हैं ऊपर से हम। वो देखिए घोड़े आ रहे हैं ना सामान लेकर, वहाँ से आए हैं हम, मतलब जब पहुँच जाते हैं तब चलता भी, हम वहाँ से हम आ गए, हम कैसे आ गए वहाँ से, हाँ इतने ऐसे रास्ते से आ गए हम, ये वाला पहाड़ दिखे गाइस। अभी ना हम आज जाएंगे ना चंद्रताल लेके जाएंगे ना आज हम, तो आगे आगे ना जो पहाड़ आएंगे सारे ना चॉकलेटी पहाड़ आएंगे, ऐसा इन्होंने मेरे को बोला है। देखते हैं आगे जाके कैसे कैसे आते हैं और पहाड़। तो गाइस जहाँ से ना सड़क दिखने लग गई है, सड़क को रास्ता दिखने लग गया है, पहला 4-5 दिन के बाद रास्ता दिखाया आज। तो गाइस काफ़ी आगे आ गए हैं, अभी वो शिंदे साहब पीछे हैं, वो आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी बादल दोबारा से आना स्टार्ट हो गया है, वो नदी आपको दिख रही होगी, वही नदी है जिसके किनारे हम रात को कैंपिंग की थी, कैंप में थे, कैंप उसी ही नदी के किनारे हमने लगाया हुआ था। और वो सामने देखिए अभी ना हमें वो सड़क दिखाई दे रही है, गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब है हम पास नहीं हैं, बस बाजार दूर नहीं है। तो अब 4-5 दिन के बाद फिर पहाड़ों में से निकल के सड़कों पे ट्रैफिक में टीं टीं आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ तो बहुत शांति थी, हमको 4 दिन बस यही जो अभी आपको सुनाई दे रहा होगा नदी की आवाज़ पानी की आवाज़ यही सुनाई दे रही थी हमें। गाइस पीछे से घोड़े आ गए हैं सामान लेके, उनको रास्ता करना पड़ेगा। जब ये गुजरते हैं ना गाइस तो एक साइड पे खड़े हो जाओ और ये आराम से आपके पास में से निकल जाएंगे। देखिए ये कुछ नहीं कहते, आराम से निकल जाते हैं, बस आपको आपको ना उनको रास्ता देना पड़ेगा। अरे भाई इधर से कहाँ जा रहा है, ओहो चलो वो उधर से जा रहा है, और भी आ रहे हैं पीछे, निकलने देते हैं सबको फिर चलते हैं आगे। ये पहाड़ देखे गाइस, वाह पता नहीं मतलब कैमरे में कैसे रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मतलब कैसा दिख रहा होगा, लेकिन लाइव देखने का जो एक्सपीरियंस है वो तो कैमरा वो से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी देखिए वो देखिए सामने से झरना आ रहा है ऊपर से, वो देखिए ऊपर से वो अभी ग्लेशियर पिंगल के आ रहे हैं, वो वाइट सा आपको दिख रहा होगा ना, वो पानी है, वो पहाड़ों के ऊपर बादल आ गए हैं। ये लोग जहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हो, हाँ वेट कर रहे हैं, वो रास्ता क्लियर होने का वेट कर रहे हैं।
वो घोड़े आ रहे हैं ना सामान लेकर उनका। तो गाइस काफ़ी पास पहुंच गए हैं, 9:20 हो गए हैं, 9:20 हम चले थे सुबह 7 बजे। वो है हमारी सामने कैंप साइट, दिख रही होगी आपको मे बी मोबाइल में उन कैमरे में। तो गाइस जहाँ तक पहुँच गए हैं वो कैंप साइट अब नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ से नीचे जाएंगे वो नदी के पास पास होते होते पहुँच जाएंगे हमारे कैंप साइट में। वो सामने पता नहीं कौन सी है इनमें से, मे बी वो लास्ट वन वाइज लग रही है मेरे को। वहाँ से अभी हम रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, लंच करने के बाद निकल जाएंगे अपना चंद्रताल ले के लिए। चलिए गाइस रेस्ट हो गई है अब जहाँ पे, बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं आगे। सिंधे चलो गाइस, नीचे आ गए नदी के पास। अब जो नदी क्रॉस करनी है, एक टेम्परेरी सा पुल बना रखा है उसके ऊपर से जाना है। चलिए साथ में चलते हैं, चलिए 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 गाइस उसको क्रॉस करते हैं। एक और छोटी सी नदी आ गई है, इसे क्रॉस करते हैं। मतलब आपको जो नदी बार बार मिलती रहती है पहाड़ों में, सारा पानी ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर का पिघल के। चलिए करते हैं पार इसे। वाओ तो से हमने सीधा जाना है नदी के पास पास। रास्ते के सारे व्यू कैप्चर कर रहे हैं गाइस जितने हो सकते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। अब बहुत थकावट हो गई है, ये देखिए ये वाला पानी कितना गंदा है, और उधर से जो आ रहा है पानी बहुत साफ पानी है। तो क्योंकि समझिए कि वह ऐसा पानी है। गाइस पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, वो सामने है हमारा कैंप साइट, भाई भी आ गए हैं, आओ चलते हैं। तो फाइनली गाइस आज पहुंच गए हैं आज अपने कैंप साइट पे। तो ट्रैकिंग का सफ़र यहीं तक था, गाड़ी आएगी, गाड़ी से जाएंगे चंद्रताल लेक देखने के लिए। तो उधर से शाम को 8 बजे आएंगे, तो बने रहिएगा चंद्रताल लेक देखते हैं। अभी तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भी अभी हम पैदल नहीं चलेंगे, अब सिर्फ हम गाड़ियों में चलेंगे, ठीक है। अभी टेंट में पहुँच गए हैं अपने कैंप में, कैंप में पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर लंच करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, नहाएंगे तो कल ही मनाली जाके, कल मनाली पहुंच जाएंगे हम सुबह 10-11 बजे, तो उधर ही नहाएंगे 4-5 दिनों के नहाए को। चलिए फाइनली हमने कर दिया हम तक पास। तो गाइस पहुंच गए हैं हम, पहुंच गए शत्रु पहुंच गए हैं। तो लंच कर ले, लंच कर लेते हैं। चावल है, राजमा है, सैलड है, अचार है, दाल भी। चलिए तो गाइस सभी को सर्टिफिकेट मिल गए हैं। थैंक यू मैम, दिखाओ ये अपना सर्टिफिकेट। शो मी चलिए गाइस अभी निकलते हैं लेक के लिए, चंद्रताल लेक के लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो निकल गए हैं मनाली के लिए आज ही, तो हम अभी बाकी बचे हैं 10-12 लोग बचे हैं।
तो हम अभी निकल रहे हैं जहाँ से लेक के लिए, 3 घंटे लगेंगे जहाँ से, और रात को इधर ही वापस आना है। चलो मिलते हैं आपको लेक पे। तो गाइज पहुंच गए हैं लेक पे, चंद्रताल लेक पे पहुंच गए हैं। लेक थोड़ी आगे है अभी, तो अभी का जो इसकी लेक के आसपास का जो व्यू ऐसा है। मतलब जहां पे बारिश कभी भी आ सकती है, तो हम साथ में अपना रेनकोट वगैरह सब कुछ लेके आए। काफ़ी टाइम लग गया जहाँ पहुँचने को, काफ़ी दूर है वहाँ से। रास्ते में कुछ जाम भी था, जाम नहीं था, कुछ काम चल रहा था, उसकी वजह से भी 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुके रहे। चलो देखते हैं आगे लेक कैसा दिखता है। फिलहाल तो हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, वो सामने दिख रही है लेक, नीले रंग का पानी। अभी दूर हैं काफ़ी हम वहाँ से, चलिए पास जाके देखते हैं। बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू है जहाँ से ये भी दिखने के लिए। मतलब ये जो लेक है ना, लेक के जो ऊपर पहाड़ है, उनका व्यू भी बहुत बढ़िया है। लेक का तो व्यू बढ़िया हो गई होगा, लेकिन जो ऊपर पहाड़ है ना, बहुत शानदार है। अभी पहुंच रहे हैं लेक के पास।
आ गए हैं वहाँ से लेक से, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बादल आ गया है। रास्ते में रुके हैं ढाबा, जी रास्ते में ढाबा आता है चाचा चाचा का ढाबा, वहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए। उसके बाद जाएंगे अपने कैब पे, लेकिन अभी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा लगा है इधर। देखिए क्या मतलब। तो गाइस चंद्रताल लेक से वापस आ गए हैं, अभी वापस आए हैं, 8 बज गए हैं। रास्ते में अंधेरा हो गया था तो कुछ ब्लॉगिंग तो कर नहीं पाए। अभी पहुँचे हैं जहाँ पे, तो अभी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चेंज करके खाना लगने वाला है, डिनर करते हैं आज। तो जहाँ पे लास्ट नाइट है, कल को सुबह मनाली पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं खाने में क्या क्या नहीं। डिनर लग ही गया है, डिनर में देखते हैं क्या क्या आज खाने को। अंधेरा हो गया काफ़ी, क्या है भाई खाने को आज? दाल है, पापड़ है, कुछ गिरा भाई, क्या गिराया उसने? इसमें क्या है? चावल है, चावल है और आलू सब्जी, आलू की सब्जी है। ठीक है जी, चलो खाना खाते हैं। हलवा आने वाला है, हलवा? हाँ भी हलवा भी आने वाला है। दिखाओ क्या है, रबड़ी? तो 10 बज गए, अभी वेट कर रहे थे तारे निकलेंगे, तो तारों के साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन तारे निकले नहीं है, बादल ही बादल हैं। अभी कैंप के अंदर ही सो रहे थे, तो बाहर देख रहा हूँ एक बार, कुछ नहीं है, बस बादल ही बादल दिख रहे हैं और ये पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये ब्लॉग आज का एंड करते हैं, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।